लीजिए, हमसे चाय पीने का पैसा मांग रहे हैं तो आप लीजिए, चाय पीने का पैसा लीजिए, लेकिन चाय ही पीजिएगा, दारू नहीं पीना है। जाता है इससे जो होता है यहाँ पे टार, ये भट्टी है, ये भट्टी में मत। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जमशेद में बारिश का मौसम बना हुआ है, तो देखिए बारिश के टाइम पे थार के साथ राइड करना अलग ही मजा है। और आज मैं और मेरा दोस्त अभिषेक, जो इसको मैं अभी लाने से गोलमुड़ी में जाऊंगा, तो वहां पे उसने डिसाइड किया कि हुलुम डैम जाने, हुलुम ब्रिज एक है वहां पे, मतलब उधर हाईवे की तरफ पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा व्यूज है। तो बारिश में थार के साथ राइड करते हुए, बारिश का मजा लेते हुए हम लोग जाएंगे हुलुम डैम का व्यूज, वहाँ का वादियाँ को चेक करेंगे कैसा है वहाँ का। तो मैं यूजुअली मैं हर जगह घूमते रहता हूँ, और आज मतलब बोलिए कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है, बारिश आज स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आज थार के साथ चलिए हम लोग सफ़र करते हैं बारिश में, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभिषेक को लाने बने। फाइनली देखिए, मतलब यहाँ पे जो अभिषेक है, जो बहुत ही काफ़ी देर से खड़ा है, तो आप देख सकते हैं, आ जा अभिषेक, ने अपना एक हाथ डैमेज करके रखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे अभिषेक कैसे हो भाई। बढ़िया भाई, छाता तो बंद कर ले, आजा अंदर। सो अभिषेक, कौन सा हाथ तेरा डैमेज हो गया है? लेफ्ट हैंड भाई। गेट तो राइट हैंड से बंद कर दे, खींच। हाँ, सो गाइस देखिए, अभिषेक अपना हैंड दिखाओ। अभिषेक ने अपने हाथ को डैमेज कर लिया है, बहुत ही मतलब केयरलेस बोलेंगे, मतलब वो लड़का है ये। और चल कोई नहीं, अब इतना बारिश में मतलब घूमने के लिए एक्साइटेड था अभिषेक भी, और आप देख सकते हैं पूरा बारिश स्टार्ट हो चुका है, और हमने डिसाइड किया है अब जाएंगे, अब यहाँ से निकलते हैं, बने रहे आप लोग। तो गाइस यूजुअली अभी गर्मी का टाइम है, तो गर्मी में जमशेदपुर का यही खास बात है कि मतलब क्या होता है यहाँ पे, ज्यादा जब गर्मी पड़ता है ना, तो उसके बाद जरूर कुछ दिन बाद बारिश स्टार्ट होना स्टार्ट हो ही जाता है। यही तो खासियत है, मॉडरेट क्लाइमेट है जमशेदपुर का, इसी वजह से मुझे जमशेदपुर मेरा बहुत ही प्यारा लगता है। Way back before we blew it all, too many things going on, I can't keep track of them all, from people dropping a bomb, to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault, I know that time can heal all, but how much time till we fall, it's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide, when everything is a lie, you'll find that out in some time, but when the things on your mind, are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it, either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Finally, अभी हम लोग टेल्को वाला एरिया में हैं, और यहाँ का मतलब रोड और यहाँ का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पे, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही प्यारा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कम बारिश हुआ है, हम लोग जहाँ से आ रहे हैं उधर बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, यहाँ पे बहुत कम बारिश हुआ है। और पीछे अभिषेक जो है बड़ी कष्ट में है अभी बारिश के टाइम पे। गाइस घर में तो ठीक है, जब रहिए तो पकौड़ा वकौड़ा तल के खाइए, बट बाहर जब निकलिए, गाड़ी में अगर निकल रहे हो बाहर कहीं घूमने वूमने के लिए, तो उस टाइम में कोई एक सॉन्ग लगा दो यार, जो मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और वो सॉन्ग को प्ले करो, और उसके बाद फिर बारिश में फील करो उस सॉन्ग को। जैसे कि मैं अभी सुन रहा हूँ, मुझे मतलब मेरा फेवरेट है, कहानी सुनो। गाइस हम लोग हुलुम ब्रिज जहाँ पे आने वाले थे, यही जो जगह है मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आए थे, काफ़ी हाइट पे है ये, और ये मतलब यही व्यूज़ मैं आपको कैप्चर करके दिखाना चाहता था, ये हुलुम ब्रिज का। यहीं पे हम लोग आने के लिए बेचैन थे इतना दिन से, और वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जो स्वर्णरेखा नदी है, जो उसका पानी यहाँ से जो मानगो ब्रिज से होकर के यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से क्रॉस करता है, डिमना लेक से भी कभी कभी पानी छूटता है, तो यहाँ गाइस ये काफ़ी लंबा ब्रिज है ये, मतलब यहाँ पे उधर से भी मतलब आप देख सकते हैं कितना दूरी है, चौड़ाई है, और यहाँ पे लकड़ी का कुछ अभी शायद कुछ यहाँ पे गिरा हुआ है, इतना लकड़ी यहाँ जंगल से लकड़ी वगैरह काट वाट करके ये लोग ये करते हैं। तो अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
लकड़ी का क्या काम हो रहा है जी यहाँ पे? लकड़ी वाला जी काम, ये रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या इसका? ये कुछ हो रहा है क्या इसमें? काम हो रहा है। काम हो रहा है। अच्छा अच्छा, क्या मतलब इसमें कुछ मरम्मत मत की? अच्छा, आप लोग ये बना रहे हैं क्या? वही तो बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो प्लेन कर रहे हैं पक्का? अच्छा अच्छा, नहीं हम घूमने आए हैं तो वही मतलब देख रहे हैं। अच्छा, लकड़ी को जला जला करके आप लोग क्या करते हैं कि उससे ये डाली जो इसको टार बोलते हैं, टार बना करके फिर उसके बाद इसको ये कर देते हैं ना? तो आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे कैसे हो जाता है ये टार बनाने के लिए। यहाँ पे लकड़ी इकट्ठा किया गया है, जलाया जाता है, इससे जो होता है यहाँ पे टार। ये भट्टी है, ये भट्टी में मत बालू जो गर्म होगा। हाँ, उसको घुमती से नारना होगा। अच्छा, उसके बाद फिर माल कैसे यहाँ पे ये बन जाता है? ये भी बनेगा, दोनों बनेगा। अच्छा, मतलब ये डाइट ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है? ये फीस देगा, फीस देके इसको माल माखना होगा। अच्छा, और उसके बाद गाड़ी है, ला के वहाँ डाल देगा, वहाँ मैक्टिस होगा। अच्छा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर से तो गिट्टी भी डालना होता होगा ना? गिट्टी बसाता है, हाथरी मार के ठुक देता है। अच्छा अच्छा, जैसे बॉम्बे रोड हाई रोड में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा बड़ा बॉम्बे रोड। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सही है। तो ये लाइट वेट लगा के नाइट में भी लगा, नाइट में। अच्छा, आप देख सकते हैं ये नदी जो है मतलब आया हुआ है इधर, डिमना लेक से छूटा है, वही वाला है ना? ये डिमना लेक से नदी जो है यहाँ पे छूटा हुआ है। अभी कहीं से अभी बारिश हुआ है तो इसी वजह से पानी तेजी से बह रहा है मतलब यहाँ पे, है ना? उसी की वजह से उधर से पानी आ रहा है, उधर से ना डिमना लेक से जो उधर से कट करके डैम से आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं बारिश में निकल करके यहाँ पे घूमना कितना अच्छा सुनहरा वेदर है यहाँ पे घूमने में, बहुत मजा। हमसे चाय पीने का पैसा मांग रहे हैं तो आप लीजिए, चाय पीने का पैसा लीजिए, लेकिन चाय ही पीजिएगा, दारू नहीं पीना है। चाय बोतल में भर के लेके आ रहे हैं। चलिए ठीक है, कितना यहाँ इधर कहाँ पे इतना बहुत जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जाइए जाइए, पीजिए चाय पीजिए। तो फाइनली गाइस, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये व्यूज यहाँ का कैसा है, और वीडियो अगर सही में अच्छा लगा और बारिश का जो वेदर है, बारिश का वेदर के टाइम पे थार का राइड अगर सही में आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे थार के लिए कम से कम कुछ तो लाइक कीजिए, कुछ तो सब्सक्राइब कराइए। 10K मतलब मुझे पहुंचना है मार्च तक, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।